पिछले एपिसोड में आपने देखा ऐश को सिंबल मिल जाता है एंड इसके बाद वो बाहर आता है जहाँ पर रेड और सिंथिया उसके लिए सरप्राइज लेकर खड़े थे। ये सरप्राइज और कुछ नहीं बल्कि प्लान था जिसका यूज करके सिंथिया और रेड ऐश को हेक्टर तक पहुंचाने में मदद करना चाहते थे, जिसके लिए सिंथिया ओरिजिनल वर्ल्ड में चली जाती है एंड वहां से काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर्स को अपने ट्रिक का यूज करके इस वर्ल्ड में लाने का प्रॉमिस करती है, जैसे कि पॉल, टोबियास और बाकी सारे चैंपियंस, ये सब मिलकर हेक्टर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें पता चलता है कि ऐश का फॉसिल यूनिक था, बिल्कुल एरोडैक्टाइल की तरह। अब आगे ऐश और सारे हिडन विलेज के लोग सिंथिया के वापस आने का वेट कर रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सिंथिया ओरिजिनल वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी जहां पर वह ऐश के बारे में सारी स्टोरी बताकर पोकेमोन ट्रेनर्स को कलेक्ट कर रही थी। पॉल और टोबियास एग्री कर जाते हैं दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए, बट अभी भी सिंथिया को और पोकेमोन ट्रेनर्स ढूंढने थे। रेड बोलता है कि जब तक सिंथिया यहां पर वापस नहीं आ पाती तब तक हम तीसरे टास्क के लिए नहीं जा सकते। सिंथिया को जल्द से जल्द यहां पर वापस आना होगा बाकी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को लेकर। धीरे धीरे टाइम बीते जाता है। 10 दिन बाद रेड, ऐश और बाकी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स एक साथ बैठे होते हैं। अभी भी सिंथिया वापस नहीं आई थी। रेड बोलता है कि थर्ड क्वेस्ट को स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्या हमें सिंथिया का वेट करना भी चाहिए या फिर नहीं। मिस्ट्री बोलते हैं कि हमें थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, बट हम इसके लिए क्वेस्ट को दाव पर नहीं लगा सकते। अगर क्वेस्ट चालू हो जाता है तो हमें थर्ड क्वेस्ट के लिए जाना होगा। बात चली रही होती है कि तभी पूरा हिडन विलेज शेक होना स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। वहां पर एक काफी बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है। कैमरन बोलता है लगता है बाकी सारे एटोरिजन के लोगों को हिडन विलेज के बारे में पता चल चुका है। रेड इस बात से डिसएग्री करता है, वो बोलता है कि मुझे ये कोई और चीज लग रही है। तभी उस पोर्टल से सिंथिया बाहर आती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली सिंथिया वापस आ चुकी थी, बट उसके साथ कोई भी पोकेमोन ट्रेनर नहीं दिखाई दे रहा था। ऐश बोलता है सिंथिया तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ पोकेमोन ट्रेनर्स भी वापस आने वाले हैं। सिंथिया बोलते हैं कि हाँ मैं कुछ पोकेमोन ट्रेनर्स को अपने साथ लेकर आई हूँ एंड वो एक एक करके आते ही होंगे। तभी पोर्टल से पॉल बाहर आ जाता है। पॉल ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये वर्ल्ड ओरिजिनल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग दिख रहा था एंड यहाँ पर उसके वर्ल्ड के भी कुछ पोकेमोन ट्रेनर्स थे, जैसे कि कैमरन, ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना। सभी लोग पॉल का वेलकम करते हैं। पॉल उठने वाला होता है कि तभी उसके ऊपर टोबियास आकर गिर जाता है। वो बोलता है क्या यहाँ पर आने का कोई और मेथड नहीं था, मैं पोर्टल से काफी ज्यादा मुश्किल से बाहर आया हूँ। इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन ट्रेनर्स बाहर आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि सिंथिया ने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पोकेमोन ट्रेनर्स की बात करी थी, जैसे कि पॉल, टोबियास और चैंपियंस। सिंथिया बोलते हैं कि मेरा यहाँ पर कुछ ही पोकेमोन ट्रेनर्स को लाने का प्लान था, बट हमारे वर्ल्ड के लोग काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। जैसे उन्होंने तुम्हारा नाम सुना वो बोलते हैं कि हम ऐश को सपोर्ट करना चाहते हैं और हम भी दूसरे वर्ल्ड में जाएंगे। साथ में वो यहाँ के लीग में पार्टिसिपेट करके यहाँ के चैंपियन भी बनना चाहते हैं, यानी कि ये तुम्हारे लिए कॉम्पिटिशन भी होगा। इनमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर्स शामिल थे, जैसे कि लियोन, डायंथा, लैंस, स्टीवन, आयरिस, लाइसेंडर, प्रोफेसर कुकुई, अलान एंड और भी काफी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स। ऐश प्रोफेसर कुकुई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। प्रोफेसर कुकुई भी बोलते हैं कि ऐश मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा आगे आ जाओगे, तुम दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हो और मैंने सुना कि तुमने दो टास्क भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर बनने वाले हो, पर ये नहीं पता था कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। ऐश बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। वो एक एक करके सारे पोकेमोन ट्रेनर से मिलता है जो कि इस वर्ल्ड में ऐश की हेल्प करने आए थे, बट उनमें से एक लाइसेंडर भी था जो कि ऐश का फ्रेंड नहीं था बल्कि एक एविल मेंबर है। वह ऐश के साथ हाथ भी नहीं मिलाता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि लाइसेंडर यहाँ पर क्यों आया है, बट वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सिंथिया बोलती है अब क्योंकि यहाँ पर सारे पोकेमोन ट्रेनर्स आ चुके हैं तो हम बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। हम सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को अलग अलग डायरेक्शन में जाना है, एटोरिजन के पोकेमोन्स को कैच करना है ताकि हम यहाँ के पोकेमोन ट्रेनर्स का लेवल मैच कर पाए एंड फिर उन्हीं पोकेमोन्स का यूज करके क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। तुम अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स का भी यूज कर सकते हो ओरिजिनल रीजन के। अगर कोई क्वेस्ट में हार जाता है तो उसको दोबारा अटेम्प्ट देना होगा। किसी भी तरह से सबको पोकेमोन लीग में पहुंचना है, एक दूसरे से कम्पीट करना है और इतने सारे लोगों में मुझे पूरा भरोसा है कि कोई ना कोई पोकेमोन ट्रेनर हेक्टर तक जरूर पहुंचेगा एंड वही ऐश के पोकेमोन्स को वापस लाएगा। सारे पोकेमोन ट्रेनर्स एक साथ आ जाते हैं और एक के ऊपर एक हाथ रखते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि वह हेक्टर के पास पहुंचेंगे और ऐश के पोकेमोन्स को वापस जरूर लाएंगे। अपने फ्रेंड्स का इतना ज्यादा सपोर्ट देखकर ऐश बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पोकेमोन ट्रेनर्स बोलते हैं कोई बात नहीं ऐश, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर तुम्हारे लेजेंडरी पोकेमोन्स को जरूर वापस लाने वाले हैं। सभी पोकेमोन ट्रेनर्स को ऐश थैंक यू बोलता है। रेड बोलता है कि सिंथिया तुम काफी ज्यादा लेट हो चुकी हो, ट्रेनर्स को इस वर्ल्ड में लाने के लिए तुमने 10 दिन वेस्ट कर दिए और अब थर्ड क्वेस्ट कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, हमें जल्दी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। सिंथिया बोलती है ऑल राइट, अब सारे पोकेमोन ट्रेनर्स अलग अलग हो जाए एंड सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को अपनी इंडिविजुअल जर्नी करनी है। सबका एम पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट करके उसको जीतना होगा, जिसके बाद तुम लीग विनर बन जाओगे। इसको हमारे रीजन के किसी पोकेमोन लीग की तरह ट्रीट करो। तुम्हारे सामने कोई भी आता है तुम्हें उसको डिफीट करना है, चाहे वो ऐश या फिर मैं ही क्यों ना हूँ। सारे पोकेमोन ट्रेनर्स समझ जाते हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं।
एजे बोलता है ये सारे पोकेमोन ट्रेनर्स एटोरा रीजन में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। सिंथिया बोलती है सारे वेल एक्सपीरियंस्ड पोकेमोन ट्रेनर्स हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर्स को ही लेकर आई हूँ। हाँ बेशक उनके पोकेमोन्स वीक हो सकते हैं एटोरा रीजन के पोकेमोन के मुकाबले, बट फिर भी वो लोग यहाँ पर सर्वाइव करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। सारे पोकेमोन ट्रेनर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। सारे पोकेमोन ट्रेनर्स अब वहाँ से जा चुके थे। सिंथिया बोलती है कि अब हमें रिक्वेस्ट के लिए निकलना चाहिए। सिंथिया, एश, रेड, कैमरन और एजे सभी लोग हाथ मिलाते हैं एंड अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं अगले क्वेस्ट के लिए। सब अलग अलग टाउन के लिए एम करते हैं, बट इनमें सबसे आगे एश ही था क्योंकि वो थर्ड क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहा था। ब्रॉक अपने मैप को बाहर निकालता है और बोलता है वेट, अगले टाउन में जाने का रास्ता तो थोड़ा यूनिक है बाकी टाउन्स के मुकाबले। मिस्टी बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। ब्रॉक बोलता है कि अगर हम अगले टाउन में पैदल जाते हैं तो हमें कम से कम 20 दिन लगने वाले हैं, तब तक थर्ड क्वेस्ट पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा। ऐश बोलता है क्या 20 दिन, ये तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है, क्या यहाँ पर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। ब्रॉक बोलता है कि मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाने का एक और रूट है एंड वो एक ट्रेन का यूज करके होगा। अगर हम इस ट्रेन के थ्रू उस टाउन में जाने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐश बोलता है ठीक है तो कंफर्म हो चुका है कि हम ट्रेन से ही जाने वाले हैं। ब्रॉक बोलता है बट वेट करो। ऐश ब्रॉक की बात नहीं सुनता और वो आगे बढ़ जाता है। ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी ऐश के पीछे आते हैं। आगे बढ़ते हुए उनको ट्रेन के ट्रैक्स दिख जाते हैं एंड वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जहाँ पर लिखा था द फैंटम एक्सप्रेस। ये ट्रेन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चलती है एंड किसी को भी नहीं पता कि ये कब चलने वाली है। सैना बोलती है कि अगर ये ट्रेन पूरे साल में एक बार चलती है तो इसके काफी कम चांस होंगे कि हमें ये ट्रेन मिल जाए। ब्रॉक बोलता है कि मैं यही बताना चाहता था बट ऐश काफी जल्दी में था इसलिए मैं ये बात नहीं बता पाया, और अब जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हम वापस नहीं जा सकते। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें ट्रेन का ही वेट करना होगा एंड अगर हम लकी होते हैं तो हमें ट्रेन मिल जाएगी। सभी लोग ट्रैक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे रात होते जाती है, किसी को भी ट्रेन का नाम और निशान देखने को नहीं मिलता। सैना बोलते हैं कि लगता है हम फंस चुके हैं। सभी लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं एंड वहाँ पर मिस्टी बोलती है कि ऐश को जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, हम अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमोन्स का भी यूज कर सकते थे उस टाउन में जाने के लिए। ब्रॉक बोलता है कि वो भी एक सही तरीका नहीं होता, तभी उन सभी लोगों को ट्रेन का साउंड सुनाई देता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने जगह से उठ जाते हैं और सभी लोग ट्रैक के पास जाते हैं एंड वहाँ पर एक ट्रेन थी। सभी लोग ट्रेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो ट्रेन ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास आकर रुक जाती है। ऐश बोलता है हमें ट्रेन में चढ़ना चाहिए। मिस्टी बोलते है कि बट मुझे अजीब लग रहा है, ये ट्रेन अचानक से यहाँ पर कैसे रुक गई जबकि ये कोई स्टेशन भी नहीं है। ऐश बोलता है कि हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है, हम सबको ट्रेन में चढ़ जाना चाहिए। ऐश को फॉलो करते हुए सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ये एक ओल्ड फैशन ट्रेन थी जो कि स्टीम इंजन से चलती थी। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना सभी लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है, बट सब लोग नोटिस करते हैं कि ट्रेन ज्यादातर खाली थी। यहाँ पर कुछ ही लोग बैठे हुए थे एंड वो लोग ने भी बड़ी कोट्स पहनी हुई थी, उनका फेस भी हैट से ढका हुआ था।